सकता है? नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं, आपका फोन कोई टैप नहीं कर रहा। सेल्वम, अंदर आओ। ये वीवीआईपी नंबर की टेपिंग तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम भरोसेमंद हो। समझ गया सर। तुम्हें बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, पर ध्यान मत देना। हमें जो जानकारी चाहिए, अगर वो मिल जाए तो मुझे फोन करना। जी। ये टॉप सीक्रेट है, जो सुनोगे वो आंखों में नजर नहीं आना चाहिए। सर, असाइनमेंट सेल्वम को दे दिया है। सर, वो बहुत ईमानदार है। हाँ, लेकिन हमें किसी पर यकीन नहीं, उस पर नजर रखना। एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल नोडल ऑफिसर्स को पहुंचा दो। यस सर। सर, 15 से कम में हो जाए तो अच्छा है। कवि का स्वाद ही अलग है। आजकल जज फोन पर बात करने से कतराते हैं। नेता के लिए 5 साल और हम जैसे आईएएस ऑफिसर के लिए 30। मेरा फोन कोई टैप नहीं कर सकता, समझे? नहीं समझे? वो कैसे? क्या हम मिलकर बात नहीं कर सकते? जैसे तुम्हें बुलाया वैसे सबको बुला लूंगा। प्लान तो ठीक है, पर बिना फोन पे बात किए मैं कैश कैसे दूंगा? सुबह के वक्त कार लेकर जाना, उसे बीच के लाइट हाउस के पास खड़ा कर देना। अपने ड्राइवर से कहना कि वो इस नंबर पर फोन करे। इस नंबर से कोई और फोन नहीं होना चाहिए। मेरा आदमी वहाँ पहुँच जाएगा। चाबी लगी छोड़ देना, वो तुम्हारे ड्राइवर से कोई बात नहीं करेगा। वो कार स्टार्ट करेगा, हाँ, और वहां से निकल जाएगा। वो कार क्यों ले जाएगा? अरे इतना लालच मत कर। तू मुझे 10 करोड़ दे रहा है और तेरे पास एक कार खरीदने के लिए 5 लाख तक नहीं है, हैं? हाँ। स्विफ्ट की डिक्की बढ़िया रहेगी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं, लाल रंग बढ़िया रहेगा। उस पर गड्डिया 2000 की हो तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है। ए माधवन। हाँ अंकल। ये मेरी बहन का बेटा है, इसके आते ही मुझे 10 करोड़ का फायदा हुआ है। क्या तुम इसे अपने बिजनेस में शामिल करोगे? इसके आने से हाँ। मेरा 10 करोड़ का नुकसान हुआ है। हाँ? देखिए, आप कहें तो एक और कार खरीद हाँ। मुझे छोड़ दीजिए। ठीक हाँ। है, छोड़ दिया। ए, ऑडी या BMW जो पसंद हो वो ले लेना। हाँ? अरे पार्टनर, एक लाल रंग की स्विफ्ट कार खरीद लो और उसमें 10 करोड़ डाल देना। सुबह के वक्त उसे लाइट हाउस के पास खड़ी कर देना। कार मैंने लगा दी है। कार वहीं रहने दो, मेरा बंदा आ रहा है। ठीक है। वो आदमी जाना पहचाना लग रहा था सर। वो हमारा ही आदमी है इस ऑपरेशन के लिए। उसका चेहरा देखते ही समझ गया था सर। तुम घर चले जाओ। कहाँ छुपाएं इसे? तुम्हारे घर पर? 10 करोड़ घर पे रखूंगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो फिर? माल छुपाया नहीं जाता बल्कि बांटा जाता है। हम 1-1 लाख के बंडल बनाते हैं और जान पहचान की दुकानों पर छोड़ देते हैं। और हमें जरूरत पड़ी तो? ये नदी बहती रहती है। किसी भी वक्त स्ट्रॉ लगाओ और माल खींच लो।
अंकल कार गायब है। ये कह रहे हैं कि आपकी कार गायब है। अरे उसका दिमाग खराब है, 10 मिनट पहले जो कार आई है मैं साइन करके ऑर्डर सुबह तक भेज दूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब है, इतनी अच्छी प्लानिंग के बाद भी कार गायब हो गई, इसका सीधा सा मतलब है इंटेलिजेंस के लोग हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं, इसलिए हमारी कार जब्त कर ली गई है। हाँ सर। ए, 10 करोड़ ही तो है, भूल जा, अगली डील में कमा लेंगे। जा जल्दी से फाइल लेकर आ। सर हमारे घर के आगे एक लाल कार खड़ी है जिसमें चाबी लगी। काम तमाम, गणेश मूर्ति भी ऐसे ही पकड़ा गया था। उसने लगभग 14 ML से बात की है, हरे का रिकॉर्ड है। वासंती लगता है कल तक मदुरई निकलना पड़ेगा, कोनार रेस्टोरेंट से थोड़ा सा मीट भेज देना, इसका बुरिया बिस्तर बांध दो, ये मनहूस है, 10 करोड़ के साथ मेरी पोस्ट भी खा गया। यहाँ हर कोई मजे कर रहा है, तुम्हारी क्या परेशानी है? ईमानदार हूँ सर। डिपार्टमेंट में दो तरह की कम्युनिटी है, पहली करप्ट, दूसरी ऑनेस्ट करप्ट। करप्ट कहीं से भी रिश्वत ले सकता है, ऑनेस्ट करप्ट रिश्वत का सोर्स छुपा कर रखता है। सर सच में ईमानदार हूं। तब तो सबसे बड़े चोर बनोगे, मौका मिला तो सबको बेचकर खा जाओगे। आई एम ऑनेस्ट करप्ट। मिनिस्टर मुथु पांडी पकड़ा गया। फेसबुक पर अपलोड कर देती हूँ पोस्टिंग, अब खराब कर सकते हो। तुम्हारा हस्बैंड मैं हूँ या फिर ये फेसबुक? जानू को बुरा लग गया। तुम मेरे हस्बैंड, फेसबुक मेरा बॉयफ्रेंड। तो इतना सजना सवरना फेसबुक के लिए? बेवकूफ हो क्या, आज क्या है तुम्हें याद नहीं? आज 26 अक्टूबर, देखो तो क्या है। हाँ आज के दिन तो भगवान मुर्गन को सोने के रथ पर घुमाया जाता है। जय हो जय हो। बहुत हो गया, मैथी सही कहती है, मर्दों को गंदे जोक और बकवास फिल्मों के नाम अच्छे से याद रहते हैं लेकिन अपनी बीवी का जन्मदिन याद नहीं रहता। ओह डॉक्टर की, हे सॉरी 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 सॉरी, विश यू अ हैप्पी बर्थडे। बहुत सुंदर लग रही हो, तो क्यों ना लड़ना छोड़कर। सुंदर लग रही हो? साड़ी में सुंदर लगती हूँ या चूड़ीदार में? इन दोनों के बिना तुम और सुंदर लगोगी। छी। मम्मी पापा कहाँ हैं? वो दोनों मंदिर गए हैं और कहकर गए हैं कि तुम मुझे डिनर पर ले जाओ। तो फिर पहला डिनर यहाँ और दूसरा डिनर बाहर। इस रोड पर कोई 5-स्टार होटल है? मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ जिसे PF काट कर 37,000 रुपए मिलते हैं, 3-स्टार होटल से ही काम चलाऊं। फिर तो मुझे रिश्वत लेने वाले ऑफिसर से शादी करनी चाहिए थी। क्या हुआ? देखो 256 लाइक्स मिल गए हैं। तेरी। अरे, मुझ पर गुस्सा आ रहा है? नहीं,
जिसने फेसबुक बनाया और करोड़ों कमाता है उस पर। मतलब फेसबुक का मालिक? अरे काय का मालिक, पूरी दुनिया उसे मानती है। तुम कितने पिछड़े हुए हो। और तुम कुछ ज्यादा ही उठ रही हो मोटर। देख लेना, एक दिन तुम सिर पकड़ कर बोलोगे कि ये फेसबुक क्यों बनाया। अब चलो गुस्सा थूको, यहाँ से चलते हैं। सर, जीएम ने मुझे अलग से टेबल बुक करने के लिए कहा था, मैं लाइट ऑन करता हूँ। Actually, सारे फेसबुक फ्रेंड्स को यहाँ बुलाने का आइडिया तुम्हारे पति का था। अच्छा हुआ ना। थैंक यू सो मच। लेकिन इन्हें इनवाइट कैसे किया? तुम्हारी दोस्त मैथी है ना, सीक्रेट रखने के लिए था। सतीश, तुम लोग शुरू करो, मैं थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूँ। चलो चलो उधर बैठ। इतना सारा खर्चा क्यों? मैंने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन पर एक छोटा सा एहसान किया है। तभी मैं सोचूं, दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग क्यों हैं? ए, अरे वो क्या पी रहे हो? ये देखो, विलायती। ये है एलेगिस। हर महीने एक नया बिजनेस करके छोड़ना और पकड़ना इसकी खासियत है। और ये है सतीश, बेचारा। जब इसकी बीवी इसके बच्चे लेकर भाग गई तो इसे अपनी बीवी पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि दोष इसने टेक्नोलॉजी को दिया। ये है मारी, इसने पुलिस की नौकरी मेरे साथ ज्वाइन की थी और फिर छोड़ दी, क्योंकि इसके हिसाब से इस जॉब में ईमानदारी की कोई जगह नहीं है। अरे कहां से लाया ये? एक बड़े बिजनेसमैन पर छोटा एहसान। शुरू करो। मैंने अपने दोस्तों से कभी कुछ नहीं छुपाया, पर अब छुपाता हूं, खासकर जब से मैंने लोगों की जासूसी शुरू की है। मैं किसी पर यकीन नहीं कर सकता। आज जो मिनिस्टर पकड़ा गया ना, तुम्हारा डिपार्टमेंट शामिल है क्या? अरे बड़े लोगों का काम है, हमारा क्या लेना देना। तू फोन टैप करता है या नहीं? हमें भी तो कुछ एक्सपीरियंस बता, ये तो असली मसाला है। जासूसी बहुत ही गंदा काम है। हर एक वीआईपी अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और। पूरी दुनिया डबल स्टैंडर्ड। तुमने भी शुरू कर दी क्या? अरे नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे भाई के लिए। इसने उसे भी बिगाड़ दिया है। देखो बाहर खड़ा कैसे लार टपका रहा है, शराबी। सच सामने आ जाएगा। कभी अपनी जासूसी करके देखो, तब भी ऐसी ही बदबू आएगी। कभी अपनी बातचीत को रिकॉर्ड करके देखना, तुम्हारा दिल कुछ और कहेगा और जुबान कुछ और। तू ऐसा क्यों नहीं करता? अपने माँ बाप की, बीवी की या हमारी जासूसी करके तो देख, तब तुझे पता चलेगा कि हर कोई दोहरा है। ए, क्यों उसकी फैमिली बर्बाद करने पे तुला हुआ है? सर, सेल्वम, अर्जेंट काम है, जल्दी ऑफिस पहुंचो। ब्लैक शिप को ट्रैक करो। मुझे ये जानना है कि वो इस वक्त कहाँ है और किसके साथ है। ठीक है सर। शादी के पहले मैंने तुम्हें बताया था ना, यही पुलिस की नौकरी है। अभी टाइम नहीं है, बाद में। बाहर में जाओ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच्ड ऑफ है। सर, उसका सेल फोन स्विच ऑफ है। सुबह तक कोशिश करते रहो। हेलो सर, घर पर हैं? वो घर पर नहीं है। मरीमत्थू बोल रहा हूँ, सर घर पर हैं? नहीं, वो घर पर नहीं है। हाय मैम, मुझे एक अर्जेंट कॉल आने वाला है, तुमसे बात नहीं कर सकती। तुम फोन रखो, व्हाट्सएप करो मुझे। अभी सिग्नल वीक है मैम, तुम्हें बात करनी है या नहीं? ठीक है, बोलो बोलो ना। तो वो कहाँ है? क्यों? ताकि अंदाजा लगा सकूं कि हम कितनी देर बात कर सकते हैं। सुबह तक कर सकते हैं। दिल्ली से तीन लोग मिलने आए हैं उन्हें। महाबलीपुरम में मेरे नाम पर एक और गेस्ट हाउस है, वहीं सब ठहरे हुए हैं। मंगईमा गेस्ट हाउस? इतना सही कैसे कैसे किया तुमने? मैं तुम्हें प्यार से मैम क्या कर बुलाता हूँ, तुम्हारा हस्बैंड जरूर तुम्हें मंगईमा। सर, मंगईमा गेस्ट हाउस में दिल्ली वाली पार्टी है।
गैस कैसे किया? तुम्हारा हस्बैंड मगे में क्या बुलाता है ना, वाइल्ड गैस था। बड़े तेज हो तुम, तुम्हारी ये मीठी मीठी बातें सुनने के लिए ही तो जाग रही हूँ मैं। बस ऐसे ही बोलते रहो, वैसे भी वो तो पी कर ही घर आएगा, आएगा और बेड पर लेट जाएगा। भगवान ऐसे ही गलत मैच बनाकर रोमांस खत्म कर देता है। कल मैंने एक सुंदर सी साड़ी पहनकर उससे पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, उसने कह दिया सुपर्ब। फिर मैंने जल्दी से उसकी आंखों पर हाथ रखकर साड़ी का रंग पूछा, बता नहीं पाया वो। शादी के बाद बच्चा पैदा हुआ और उसी दिन रोमांस खत्म। अब तो उसे सिर्फ पैसा, शोहरत और नाम चाहिए। आधे से ज्यादा लोगों को तो यही नहीं पता कि रोमांस और उसमें क्या फर्क है। अब इन्हें कौन बताए कि रोमांस क्या होता है? एक दूसरे के करीब आना, मीठी मीठी बातें करना और बातें करते हुए एक साथ हंसना। पर मेरा पति तो ऐसा है कि आते ही शुरू हो जाता है। तुम्हें पता है तुमने जो फेसबुक पर मेरी फोटो लाइक की थी ना, आज मैंने वही साड़ी पहनी है। मैम, आप चाहे कुछ भी पहनो, मैं आपको प्यार ही करूंगा। सच में? आप गिनती भी गिनोगी तो वो भी ऐसा लगेगा जैसे इलैयाराजा का म्यूजिक। सोच लो, अभी शुरू हो जाऊंगी। प्लीज। 1, 2 वाह वाह। 3 सुपर्ब। 4 बस करो, मैं भी बोर हो गई। तुमने गाना क्यों बंद कर दिया? क्या तुम मुझे पागल कर दोगे? ये सब तुम्हारी खूबसूरती का दोष है जो इतना अच्छा बुलवाता है मुझसे। एक जवान बेटी की माँ हूँ मैं। अरे बेटी की माँ हो तो क्या हुआ, माँ भी तो एक औरत ही है, ये तो भगवान का गिफ्ट है। तुमसे बात करके तो लगता है कि मैं दिन ब दिन जवान हो रही हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए आजकल मैं रोज नई साड़ी पहनकर फेसबुक पर फोटो डालती हूँ। सच सच बताना, बताओगे ना क्या मैं तुम्हारी अकेली दोस्त हूँ या मेरी जैसी और भी दोस्त हैं तुम्हारी? सच जानना चाहती हो? मेरे से अच्छे बहुत सारे लोग हैं जो इस कामों में पढ़ते हैं। HTV पर इल्मई राजन शो आता है, उसके बारे में बताने लगूं तो तुम चौंक जाओगी। अगर कोई सुंदर लड़की होती है ना तो उसकी 5 दिन से ज्यादा रिहर्सल होती है, विश्वास नहीं होता ना। लाइन पर हूँ, मैं अभी एक दोस्त को कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ जिसने ये सब भुगता है। The person you are speaking with has put your call on hold. Hello. इतनी रात को कैसे याद किया? रिपीट शो HTV पर अभी देखा, मजेदार क्लोजअप है। और इस बदतमीज को मिलने के बाद तो न जाने कहां कहां का क्लोजअप, यकीन नहीं होता। कल कॉन्फ्रेंस कॉल में उसी के मुंह से सब उगलवाऊंगी। अब नींद आ रही है। ओके डार्लिंग, यू गो बैक टू स्लीप। ओके बेबी, टेक केयर। मुझे तो लगा था ये सारी चीजें फिल्मों में होती हैं, पर अब टीवी पर भी। कौन बताए कि रोमांस क्या होता है? एक दूसरे के करीब आना, मीठी मीठी बातें करना और बातें करते हुए एक साथ हंसना। क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों सूंघ रहे हो? तुम भी ना। इसी को तो रोमांस कहते हैं। आज बड़े रोमांटिक हो रहे हो, बात क्या है, फिर टाइम पास क्यों करना, शुरू हो जाओ। तुम भी ना बहुत तेज हो। आराम से। सर आओ बैठो। ठीक है सर, बैठो। रात का ऑपरेशन अच्छा रहा, लोगों ने काफी तारीफ की है। थैंक यू सर। ये दोनों IG हैं, गोपाल सैमी और मिल्टन। सर ये मेरे बैचमेट हैं, अगले 7 सालों में ये DGP की पोस्ट पर पहुंच जाएंगे जिसे हमें रोकना है। पुलिस की ड्यूटी के अलावा सारे कामों पर ध्यान है उनका, किससे बात करते हैं, किससे मिलते हैं, कहां जाते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड में होना चाहिए। सर प्रिंसिपल सेक्रेटरी परमिशन? 15 दिन से ज्यादा लगे तो चाहिए होगी, तब तक हम कुछ भी कहकर टाल सकते हैं। इसमें मेरी ऑफिशियल अप्रूवल नहीं होगी। सर यहां हर कोई आपसे डरता है, एक बार मेरा इंट्रो करवा दो, बाकी मैं संभालूंगा। वो पहले ही कर दिया है। थैंक यू सर। सेल्वम सर ये बात लीक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल बचा नहीं पाऊंगा। समझा सर, DIG ने मुझे सब अपडेट करने के लिए कहा है। उस कामचोर की बात मत करो, सीधा मुझे रिपोर्ट करना, सब जानते हैं तुम मेरे आदमी हो। थैंक यू सर। सर सॉरी। हे यहाँ से गुजर रहा था, सोचा मिल लो। अरे हम बैचमेट में कैसी फॉर्मेलिटी, हम तो दोस्त हैं। तुम इतनी पावरफुल सीट पर बैठे हो, तुमसे मिलना तो बनता ही है।
तुम्हारा नाम क्या है? सेल्वम। जब मैं मदुरई में था तो ये वहाँ कैंप इंस्पेक्टर था। थैंक यू सर। लगता है प्रमोशन की लिस्ट तैयार कर रहे हो। अभी सिग्नल वीक है मैम, तुम्हें बात करनी है या नहीं? कभी अपनी जासूसी करके देखो, तब भी ऐसी ही बदबू आएगी। कॉलर पर तेरा असली नाम क्या है? मंगई करसिया। ओ, अपनी मैडम के नाम पर सिम ले रखा है। काम का कुछ ज्यादा ही प्रेशर है, इतना मत सोचा करो, खाना खाओ। तुम लोग एक ऐसा कपल हो जो 4 साल से अलग रह रहे हो और इस शो में तुम लोग साथ में होने वाले हो, तुम रो सकती हो ना? अब हंस क्यों रही हो तुम? सर सर सर, कोशिश करती हूं। अगर काम की नहीं है तो टाइम क्यों खराब कर रहा है? देखने में तो ठीक है सर। उससे पूछ के आज चढ़ावा दे पाएगी? वो पूछ रही है कैसा चढ़ावा? जैसे हम सपनों को पूरा करने के लिए अपने भगवान को चढ़ावा देते हैं, कुछ वैसा ही। देखने में तो ठीक है सर। तो उससे पूछ के आज चढ़ावा दे पाएगी? शायद ये कोई पुराना विक्टिम हो सकता है। कोई भी हो, उसकी खाल उतार देंगे। देखिए सर, वही क्लिप है। हेलो। अरे ये वही सेम लग रही है। बार क्या होगा? क्लिप आ रही है। आखिर हो क्या रहा है? अगर एक भी ऑडियो लीक हुआ तो समझ लो सब बंद हो जाएगा। व्हाट्स हैपनिंग मनी? अरे मैडम, ये चैनल चलेगा कैसे अगर मैं सबको ऐसे ही छोड़ दूंगा? रोड पर पड़े कचरे से भी तो हम अपने आप को बचा कर ही चलते हैं ना। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो छोड़ दो। तुमने इस नंबर को ट्रेस किया? हेलो। वॉइस क्वालिटी मस्त है ना? ए, कौन है तू? मीडिया से पंगा मत ले। बच नहीं पाएगा। सुन, तेरा ओपोनेंट चैनल मुझे बचा लेगा अगर ये ऑडियो उन्हें मिल गया तो। तुझे 12 करोड़ का ऑफर है, 2 करोड़ का डिस्काउंट। सोचने का वक्त गया। हाँ बोल या ना बोल? हाँ बोल दो इसे। हाँ, कहाँ पहुंचाना है? सुन, ध्यान से सुन। 2000 के नए नोट, बंडल बना अच्छी तरह से, एक नई स्विफ्ट कार खरीद और सब डिक्की में डाल दे, और चुपचाप OMRH सिनेमा के आगे लाके खड़ी कर देना। अगले 5 मिनट में तुझे तेरे हार्ड ड्राइव मिल जाएंगे। गारंटी क्या है? ए, तू क्या दुकान में टीवी खरीद रहा है? गारंटी चाहिए। तेरा ओपोनेंट चैनल पैसा लेकर खड़ा है। नहीं 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 नहीं, मुझे यकीन है। सिनेमा का दरवाजा देख रहा है? जी हाँ सर, वो बिल्कुल मेरे सामने ही है। चाबी लगाकर निकला। ओके सर। ए, कैमरा तैयार रखा। कोई ना कोई तो कार लेने आएगा ही ना, बस एक बार उसका चेहरा दिख जाए फिर देखना मैं क्या करता हूं। सर 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 सर, वो टो वाली कार लेके जा रहे हैं। शट अप, कार में पैसे रखे। मैं इसे रह के इंस्पेक्टर को जानता हूं, मैं देख लूंगा। ठीक है सर। सर,
मैं मनी बोल रहा हूँ। कैसे हो सर? सर मेरे दोस्त ने गलती से अपनी कार एजीएस सिनेमा के आगे खड़ी कर दी थी और आपके लोगों से उठा कर ले गए। हाँ सर बताइए। हमारे टोइंग ट्रक तो यही है, आज तो कोई बाहर नहीं गया सर। सर कुरियर आया है। यहाँ रखो। Shadow leaks. He calls it shadow leaks. ये क्या? लगता है हम सब की बातें रिकॉर्ड की गई हैं। हे, इस कमरे में कैमरा किसने लगाया? सर ये तो हमारे ओपोनेंट चैनल पर चल रहा है। ये सभी ऑडियोज शैडो लीक्स के नाम से लीक किए गए हैं। लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सेलफोन की टैपिंग जासूसी और प्राइवेसी को भंग करना एक अपराध है। इस तरह के लीक्स को बढ़ावा मिलना चाहिए क्या? सर जर्नलिज्म आखिरी कगार पर है। इस तरह के लीक्स ही तो जर्नलिज्म को जिंदा रखे हुए। एक छुपा हुआ चेहरा ही तो सच को सामने ला सकता है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही मेरी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई। मुझसे मिलने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन आज देखो मैं अपने ही घर में डर से छुपा बैठा हूं कि कोई मुझे मार न दे। मेरे बीवी बच्चे भी मुझे छोड़कर चले गए। 10 करोड़ गए, मुझे कोई गम नहीं, बस वो मारा जाना चाहिए। उसे मारना ही आखिरी ऑप्शन होता तो उसे मारने के 100 तरीके हैं बिना किसी निशान छोड़े। लेकिन उससे पहले मेरे कुछ सवाल हैं, उनमें से कितने के साथ जुड़े हो? ये कैसा बेहुदा सवाल है? क्या मतलब है आपका? उन लड़कियों में से कितनों के साथ अफेयर है? अफेयर कितनों के साथ है? इसे शौक भी दो तो भी ये मुंह नहीं खोलेगा। कोई 20-25, लेकिन उन सब में से किसी भी लड़की का हाथ नहीं है। एक आदमी है इसके पीछे। पर ये कोई आम आदमी नहीं है। जिस नंबर का यूज किया वो वर्चुअल नंबर है। वापस कॉल करो तो ये फॉरेन वेबसाइट पर ले जाता है। मुझसे बात करने वाला कोई भूत नहीं था, एक आदमी है। तो ये कार तुम्हारी है लेकिन तुम्हारी नहीं है। आरसी मेरे नाम से है, जब चाहिए हो तो बता देना, तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। बिल्कुल मक्खन है। हाँ। I am honest corrupt. क्या? आजकल यहाँ हर कोई करप्ट है तो सोसाइटी साफ कैसे होगी? हाँ जी। रिटायर होने से पहले मैं 50 करोड़ कमाना चाहता हूँ, लेकिन इस रफ्तार से 3 महीने में ही पूरा हो जाएगा। चिंता मत करो, सब एडजस्ट कर दूंगा। पता है इस दुनिया में सबसे दुखदाई चीज क्या है? जब मालिक के सामने ही उसके पैसे पर कोई मजे लूटे। एंजॉय। तो ये तुम्हारा तो है लेकिन तुम्हारा नहीं है। बड़े से बिजनेसमैन पर छोटे से एहसान के बारे में बताया था ना। ये उसी का घर है, 1,000 रुपए देकर उसी से किराए पर लिया है। एक बात कहूं, हम अपने घर में कितने सुकून से रहते हैं। जो है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। सोचो अगर हमें ऊपर वाला ऐसी जिंदगी देना चाहता तो क्या हम आज किसी अमीर के घर पैदा ना हुए होते? ठीक, क्या हम यहाँ कभी आ सकते हैं गेस्ट हाउस की तरह? ठीक है। यस। शादीशुदा औरतें ज्यादा पसंद है? ऐसा नहीं है, लेकिन शादीशुदा औरतों के कई फायदे होते हैं। और वो क्या है? 3 फायदे। पहला, वो शादी के लिए जोर नहीं देती। दूसरा, शादीशुदा औरतें आपका बैंक अकाउंट बन जाती है, जहाँ से कभी भी पैसा निकाल सकते हो। लेकिन तुमने तो कभी पैसे नहीं मांगे। अगर मांगा तो नहीं दोगी क्या? बताओ कितने चाहिए, अभी फोन से ट्रांसफर कर दूंगी। और
क्या है? कहानियां सुनना। कुछ पतियों की कहानियां तो बहुत मजेदार होती। तुम्हारा पति आज कहाँ गया है? बैंकॉक। बिजनेस? छोड़ो, ये क्या पूछ रहे हो? हम सबको अच्छे से पता है वहाँ क्या होता है। अभी कितने बजे? 11। फोन रखो, बाद में करता हूँ। बाद में फोन करती हूँ, फोन कट करो। बाद में फोन करती हूँ, फोन कट करो। बाद में फोन करती हूँ, फोन कट करो। सुनो, मम्मी पापा तुम्हारी बहन के घर गए हैं। मैं मार्केट जा रही हूँ, दरवाजा खुला है। अखबार वाला रोज हमारे दरवाजे पर आपका अखबार डाल जाता है। आप सिर्फ दिखावे के लिए अखबार मंगवाते हैं। मुस्कुराते नहीं आप? अब ठीक है। हेलो। तो तुम मकान मालिक की बेटी नहीं, तुम तो मेरे जैसे किराएदार हो। हाँ, अरे ये पता लगाने में आपको एक हफ्ता लग गया और खुद को बड़ा पुलिस वाला समझते हो। चलो गाड़ी निकालो। तुम्हारी बहन खूबसूरत है तो क्या मैं उनके खिलाफ केस फाइल करूं? गलती तुम्हारी है, जाओ माफी मांगो। I like him. देखो, इस आदमी के प्यार के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो तुम दोनों को देख लूंगा। मुंह बंद कर। करती क्या हो? हाँ, अभी तो पढ़ाई खत्म की है, अब शादी का इंतजार है। मुझसे शादी करोगी? तुमसे? तुम तो मुस्कुराते तक नहीं हो, पहले मुस्कुराना तो सीख लो। ऑनेस्ट ऑफिसर हो ना, ये रहे मेरे पेपर। तुम्हारे लिए दूल्हा ढूंढ दूँ? मेरे पापा अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं दूल्हा। क्यों, कोई कंडीशन है क्या? शादी के बाद पति से ऐसे बात करूंगी जैसे दोस्तों से करती हूँ। जितने आए भाग गए। हे भगवान, मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी करना। ये मेरी तरफ से चढ़ा देना, तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होंगी। कामनाएं पूरी होंगी ना? ए हेलो, मुझे तो हंसने को कह दियो, आज तुम्हें क्या हुआ? मैंने सुना है कि तुम्हारा यहां से ट्रांसफर हो गया है। सीधा पेड़ सबसे पहले कटता है, एक साल में चौथा ट्रांसफर है। अब तो मुस्कुरा दो, अब ठीक है। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे लिए दूल्हा ढूंढ दूं? मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम्हारे पापा दूल्हा ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम्हें दोस्त चाहिए। सही गाना।
दीदी लगता है वो तुम्हें पाई बोलने के लिए खड़ा है। चार दिन के लिए बंद कर दूंगा ना, अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी बेवकूफ कहेगा। सर लड़की इंतजार कर रही है। लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो गई है। अगर दिमाग खराब ना हो तो जिंदगी बोरिंग हो जाती है। मेरा एक डीएसपी दोस्त है, उसकी बीवी किसी और के साथ फोन पर बात करती है। वो बीवी से पूछना चाहता है पर कैसे पूछे। उसे जाकर कहो खुल कर बात करने से ही मेरी जिंदगी खराब हो गई है। औरतें सोचते हैं कि किसी को कुछ भी पता नहीं, फिर भी वो शक करता है और वो चलाकियां करती है और बात भी मानने को तैयार नहीं होती। जब मैं फोन करता हूं तो 10 घंटी बजने के बाद उठाती हो और अब पहली घंटी में ही उठा लिया, कैसे? क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? कौन है वो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम्हें क्या करना है? इसके ने कल जिसने रात को 11 बजे फोन किया था और जिसे तुमने बाद में फोन करने के लिए कहा था वो मेरी जासूसी की। आज से हमारा पति पत्नी का रिश्ता खत्म। कल रात जब ये 11 बजे हुआ तो तुमने अभी तक मुझसे ये बात छिपाई क्यों? शर्म आती है कि मैंने तुमसे प्यार किया और मैं तुम्हारी बीवी बन के रह रही हूँ। मैं ऐसे जासूस पति के साथ नहीं रह सकती। बाय। हाँ माँ। हाँ बस अभी अभी आए हैं। तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? ठीक है तुम सो जाओ, मैं सुबह बात करती हूँ। हाँ माँ ठीक है, अब तुम सो जाओ। ये लो पानी। हेलो सर, मंगाई करसाई वाला सिम अभी बंद है, इसीलिए लोकेशन का पता लगाना मुश्किल है। आखिरी बार ये टावर नंबर 24 से कनेक्टेड था। कौन से पुलिस स्टेशन के पास? नुंगम बक्कम सर। हेलो पिज़्ज़ा हट। हाँ वेज लार्ज वन, ऑलिव कैप्सिकम लेस चीज एंड थिन क्रस्ट। प्लीज वेट सर, आपका एड्रेस कंफर्म करता हूँ। नंबर 15 वल्लुवर कॉल स्ट्रीट, नुंगम बक्कम। यस करेक्ट। देर क्यों हो गई? बहुत ऑर्डर थे सर।
अरे तुम अभी तक गए नहीं? सर आपने 100 रुपए ज्यादा दे दिए। ठीक है जाओ अब। बेवकूफ लड़का, मुझे लगा कि मेरा दिमाग कमजोर हो गया, पर एक्चुअली 100 रुपए वो मुझे ज्यादा दे गया। अरे बेचारा। छोड़ ना, ये भी तो कितने लोगों को लूटते हैं। मेरी बात का जवाब दो। भूख लगी है, खाने तो दो। हम शादी कर लेते हैं। तुम मजाक कर रही हो। मुझसे शादी करोगे या नहीं? अब बस भी करो। मैं सीरियस हूँ। मजाक बंद करो यार। इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे थे। तुम सच में मजाक कर रही हो ना? देखो मुझसे पंगा मत लो, अगर मैंने ठान लिया ना तो तुम्हें अपना बनाकर ही छोड़ूंगी। अच्छा मजाक था, हंसी आई। तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं मैं सच में सीरियस हूं। देखो मजाक बहुत हो गया। तो फिर मैं किसके लिए जिंदा रहूं? देख लो लाइव। देखो ड्रामा मत करो। ड्रामा नहीं है, लाइव है। मुझसे शादी करोगे या नहीं? दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है शादी करना। जा फाड़ में जा, पूछ पूछ कर दिमाग का दही कर दिया। हेलो सर। हेलो सर। प्लीज बैठिए। ये कौन है? मेरी असिस्टेंट, बाहर इंतजार करेंगी। वेरी हाई प्रोफाइल साइबर क्राइम, इसकी मुझे पूरी हिस्ट्री चाहिए, वेरी अर्जेंट। आपका जो भी खर्चा है उसका डबल दूंगा। आपके लिए सब फ्री है सर, मुझे एक केस सुलझाने में आपकी मदद चाहिए। कौन सा केस? HTV। कहना क्या चाहते हैं इसमें हमारा हाथ है? नहीं नहीं, बस जानना था आपके पास कोई जानकारी। केस किसने दिया है? मनी, इसी जगह से मैं अपनी लैब के लिए सेकंड हैंड मशीनरी खरीदूंगा, मैंने सब कुछ तय कर लिया है। ठीक है, लेकिन आयुर्वेद और एलोपैथी को मिक्स करके दवाई बनाओ। ऐसा क्यों? फ्यूचर में काफी डिमांड होगी। सर लिवर डोनेशन कब होगा? 31 लोगों के मरने के बाद तुम्हारा नंबर आएगा, समझी? हर हफ्ते परेशान करना बंद करो। ये तो बता दो कितना वक्त लगेगा। हुआ करो कि 31 लोग जल्द से जल्द मर जाएं। अब जाओ यहां से। इसका नंबर मिल सकता है? तुझे समझ में नहीं आता क्या? अरे सुनना, उसके लिए थोड़े और पैसे लगेंगे। यार तेरी तो मार्केट में बड़ी इज्जत है, उसने मुझसे एक भी डॉक्यूमेंट नहीं लिया, 5 लाख रुपए ऐसे ही पकड़ा दिए। इट्स ओके। अरे सुन, ये पैसा सेल्वम का भी तो हो सकता है, शायद वो इसलिए मुझे दे रहा है ताकि जब जरूरत पड़े तो वापस ले सके। लेकिन इतना पैसा आया कहां से? ये बात समझ में नहीं आई। उसकी शादी को 11 महीने होने वाले हैं, लेकिन तेरा भाई अभी भी मुझसे फिश करी बनवाता है। मछली साफ करते करते मेरे हाथ दुखने लगे हैं। बेटा मैंने खुद मछली साफ की है और फिर फिश करी बनाई है, जाओ खा लो। वो कभी अमीर नहीं बनेगा, अगर अब नहीं कमाया तो कब कमाएगा? रिटायरमेंट के बाद लोगों ने शहर में 5-5 घर बना लिए हैं। ईमानदारी से काम करोगे डिपार्टमेंट में सब इज्जत करेंगे, घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। और तुम्हारे दोस्त का क्या हाल है? हाँ वो ठीक है। मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था। मैंने तो कहा था। तुमने कहा था मुझे अपनी जिंदगी जैसे चाहूं वैसी जीनी चाहिए, अब क्यों पलट रहे हो? मरने आत्महत्या करने से अच्छा है अलग होना, बेवजह रिश्तों को ढोते रहने से क्या फायदा? मैंने कुछ गलत कहा था क्या? हेलो। हाय स्वीटी। कौन सा बैंक? ओह लगता है पति घर पर ही है। हमें कोई लोन नहीं चाहिए, फोन रखो। फोन मत काटना, तो बार बार करूंगा। कौन सा लोन है थोड़ा ठीक से बताओ। जो फोटो तुमने मुझे अलग अलग बिंदी लगाकर भेजी थी, मैंने उन्हें एक फ्रेम में जुड़वा लिया है, बिल्कुल इंद्रधनुष लग रही हो। नहीं प्रॉपर्टी लोन, गोल्ड लोन कुछ नहीं चाहिए। मुझसे गुस्सा हो इसलिए तुमने दीवार से सारी पेंटिंग हटा दी? आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, फोन रखिए प्लीज। तुम्हें पता है तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो, तुम पर बहुत तरस आता है, पति के जाने के बाद मुझे फोन करना। थैंक्स। हे, सीधा फोन काट दिया करो। हर रोज मार्केटिंग के ऐसे कम से कम 2 कॉल्स आते हैं, लोन लेने के लिए राजी करते हैं फिर कर्जदारों के पीछे पीछे घूमते हैं। हेलो। हाय स्वीटी। कौन सा बैंक? लगता है पति घर पर ही। हमें कोई लोन नहीं चाहिए, फोन रखो। फोन मत काटना, तो बार बार करूंगा। कौन सा लोन है थोड़ा ठीक से बताओ। जो फोटो तुमने मुझे अलग अलग बिंदी लगाकर भेजी थी,
मैंने उन्हें एक फ्रेम में जुड़वा लिया है। बिल्कुल इंद्रधनुष लग रही हूं। नाम बालाकृष्णन, फेसबुक नेम बाल्की, कंप्यूटर इंजीनियर, कॉलेज का टॉपर, माइक्रोसॉफ्ट या आईबीएम में होना चाहिए था, 0.2 मिलियन शेयर का मालिक होता, इंटरनेट पर औरतों को फंसाता है, ये एक तरह की मानसिक बीमारी है, शराब या सिगरेट पीने जैसा, इंटरनेट पर लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है, उसके पास बढ़िया तकनीक है, पहले लड़कियों का प्रोफाइल पढ़ता है, फिर रिक्वेस्ट भेजता है, जैसे ही वो एक्सेप्ट करती है वो साइलेंट हो जाता है, धीरे धीरे उनके प्रोफाइल में 2 साल पुरानी पोस्ट तक पड़ता है, कौन से हीरो की फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना नहीं भूलती, फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर, फेवरेट सॉन्ग, उसके फेवरेट लिरिक्स, कौन से फूल की खुशबू पसंद है, वो सब कुछ पता कर लेता है। अगर लड़की को मोनालिसा की पेंटिंग पसंद है तो उसी पे वो पोस्ट डालता और लड़की खुश, वाओ कोई तो है मेरे जैसा, वो लड़की पोस्ट लाइक करना शुरू कर देती और उसकी पोस्ट पर आई लाइक से पता चलता कि उसने कितनी अच्छी तरह से तैयारी की है। उसका बाप एक बड़ी तेल कंपनी का रिटायर्ड CMD है, वो उस बंगले में रहता है जो अल्टरनेट इनकम से बना है, औरंगजेब की तरह इसने भी अपने बाप को घर से निकाल दिया है, इसकी कोई परमानेंट इनकम नहीं है, लेकिन उसका अकाउंट देखने पर मुझे पता चला हर हफ्ते 0.3 से 0.4 मिलियन इसके अकाउंट में जमा होता है। एक और जरूरी बात, पिछले 3 आत्महत्याओं में पुलिस को इस पर डाउट था, उस पर इंक्वायरी हुई लेकिन कोई सबूत ना होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया, ये रही उसकी पूरी डिटेल्स। ओके, इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक्स। या स्मार्ट है सर, जरा भी इमोशन नहीं दिखाया। क्या है ये जानकारी? डिपार्टमेंट के लिए नहीं, पर्सनल। कैसे कह सकते हैं? डिपार्टमेंट काम की इतनी जल्दी पेमेंट नहीं करता है। हेलो मैथी, इतनी रात में क्यों फोन किया? तुमसे मिलना जरूरी है, तुम कहाँ हो? मैं मदुरई अपनी ससुराल में हूँ, 3 दिन में वापस आ जाऊंगी। क्या हुआ? ओके, जब वापस आओगी तो इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या हुआ? असल में मेरी एक फ्रेंडशिप हुई थी फेसबुक पर। हाँ तुम तो जानती हो ना, लाइक्स मिलने पर मुझे कितना अच्छा लगता है। मैंने बिना सोचे समझे सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। ये हमेशा कहते हैं असल जिंदगी में लोगों के साथ हम जितना भी हंस बोल लें उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन ये कंप्यूटर है, यह हमारी सारी बातचीत रिकॉर्ड करता है, इसलिए संभल के रहना। और एक ऐसी रिक्वेस्ट जो मैंने एक्सेप्ट की थी उसने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दी। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था मैथी, आखिर हुआ क्या है? तुम जानती हो मुझे इंग्लिश नॉवेल्स पसंद है, इन्हें तो इंग्लिश आती ही नहीं है। मैंने अपने फेवरेट नॉवेल का कवर पेज पोस्ट किया था, 5 मिनट बाद ही उसने उस नॉवेल के 19वें नंबर पेज की खूबसूरत लाइंस कमेंट्स में लिख दी। देर आर मोमेंट्स व्हेन आई विश आई कुड रोल बैक द क्लॉक एंड टेक ऑल द सैडनेस अवे, बट देन आई हैव अ फीलिंग इफ आई डिड द जॉय विल बी गॉन एज वेल। मैंने सोचा वाह ये कौन है मेरे जैसा, और उसके कमेंट को लाइक कर दिया और मैं जाल में फंस गई। जब कभी बारिश होती है तो मुझे कॉफी पीने में मजा आता है, बहुत पहले मैंने ये पोस्ट में डाला था, उसने भी बारिश में कॉफी पीते हुए फोटो लेकर पोस्ट कर दी। इसी तरह हम एक दूसरे की पोस्ट को लाइक करते रहे। मैथी तुम्हें तो गवर्नमेंट क्वार्टर की हालत पता ही है। एक दिन मैं दीवार पर टांगने के लिए कुछ रेफरेंस पेंटिंग्स ढूंढ रही थी, मैंने पोस्ट के साथ एनीबडी देयर लिखकर डाल दिया। अच्छा, फिर उस बंदे ने कुछ पेंटिंग्स भेजी और उस पर लिखा लुक एट दिस। मैंने सोचा कि काश उन पेंटिंग्स को लगाने के लिए मेरे पास एक बड़ा घर होता, वो बहुत ही कमाल की पेंटिंग्स थी। ये सब नई नई चीजें कहां से लाती हो? मेरा बॉयफ्रेंड। आई लव योर टेस्ट। सच में? किसी को यकीन ही नहीं होगा कि ये पुलिस क्वार्टर्स है। शादी के बाद ये मेरी तारीफ कम ही करते थे, मेरे अंदर उस इंसान के लिए इज्जत बढ़ गई जिसने इन्हें फिर से तारीफ करने के लिए मजबूर कर दिया। क्या हुआ, आज तुमने कुछ पोस्ट नहीं किया? नो मूड प्लीज। रोज सुबह जब तक तुम्हारी पोस्ट ना देखूं मेरा तो दिन ही शुरू नहीं होता। ओफो, पति के लिए क्या बनाऊं ये सोचना मुश्किल नहीं लगता जितना रोज एक पोस्ट करना मुश्किल लगता है।
प्लीज वन पोस्ट, कोई छोटा सा फूल, कोई पौधा, कुछ भी, कुछ भी। तुम्हारे घर में झाड़ू है? झाड़ू? हाँ हाँ बिल्कुल है। उसमें से एक तिली निकालो, टेबल पर रखकर उसकी फोटो खींचो और पोस्ट कर दो। मैं तिल्ली तुम्हारे इंतजार में, मैं तिल्ली तुम्हारे इंतजार में, जब भी घर में धूल देखती हूँ खुशी से उछल पड़ती हूँ कि तुम आओगी और मुझे पकड़ोगी। वाओ। तुम्हें सिर्फ काली बिंदियां पसंद है? किसी और रंग की बिंदी क्यों नहीं लगाती हो? और इस तरह कभी कभी मैं अलग रंग की बिंदी लगा लेती थी और पोस्ट करती थी। फिर एक दिन उसने सभी फोटोज को एक फ्रेम में लगाकर विबग्योर लिख दिया। शादी के बाद वो पहला दिन था जब मैंने अपनी सुंदरता को महसूस किया। कभी कभी तो मैं अपने किचन का काम भी लैपटॉप को सामने रखकर करती थी। थोड़ी देर में फोन करती हूँ। तुम्हें केरला कटला करी बनाना आता है? नहीं आती। तुम मेरी रेसिपी क्यों नहीं ट्राई करती हो? तुम्हारा पति खुश हो जाएगा। सच में? एक पतीला लो। नहीं नहीं, इतना छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा पतीला लो। करी के पत्ते लो, थोड़ा सा जीरा, दालचीनी। दालचीनी से केरल वाला स्वाद आएगा। सुपर। थोड़ा नजदीक आके बोलो। सुपर। ग्रेवी दिखाओ मुझे। लैपटॉप के अंदर से कैसे सूंघोगे? क्यों, भगवान को भी तो ऐसे चढ़ाते हैं, भगवान लेते हैं या नहीं? सुपर। इसलिए नहीं कि ये मेरी रेसिपी है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने बनाया। थैंक्स। सुपर, तुमने बनाया? फेसबुक को कोसते रहते हो ना, वहीं से मिली है। फेसबुक जिंदाबाद। वो अच्छे दोस्त की तरह बात करता था। मैंने उसे घर आने के लिए कहा था ताकि उसे अपने पति से मिला सकूं। तुम्हारा घर कैसा है? बहुत ही छोटा सा है। हाँ, अगर वो एसपी होता तो उसे बड़ा घर मिलता। दिस इज माई हाउस। ये तो वाकई बहुत बड़ा है। अब मुझे अपना घर दिखाओ। ओह माय गॉड, मेरी सजेस्ट की हुई पेंटिंग्स तुमने अच्छे से लगाई हैं। अच्छा है ना? ये बाथरूम है क्या? बहुत छोटा है, लेकिन गवर्नमेंट क्वार्टर में सबसे बड़ा है। पर यार, बाथरूम तो बिल्कुल खाली है। वहाँ क्या हो सकता है? उसे भी सुंदर चीजों से भर सकते हैं। कैसे? बताता हूँ। सर, पार्सल। हमने तो कुछ नहीं मंगवाया था। मैम, बुकिंग एड्रेस तो यही का है, ऑलरेडी बिल पेड है। क्या है इसमें? इसके अंदर रूम फ्रेशनर है। एक मिनट माँ, दिखाइए तो। माँ, ये मैंने ही ऑर्डर किया था, भूल ही गई थी। रजनीगंधा का रूम फ्रेशनर, ये तो मैं कहाँ से मिला? सस्पेंस। हेलो, अभी मत खोलना, सीधा बाथरूम में ले जाओ, फिर कवर उतारो, बटन ऑन करो और स्टैंड पर रख दो। ये स्प्रे करेगा। जरूरी नहीं कि हम अपनी हर जगह को चीजों से भरें, पसंदीदा खुशबू से भर सकते हैं, अपनी यादों से भर सकते हैं, अपने पसंदीदा लोगों से भर सकते हैं। कॉकरोच था माँ। कॉकरोच था? जब मैंने उसे अपने बाथरूम में महसूस किया, मैं बहुत डर गई थी। तुम उसे ब्लॉक क्यों नहीं कर देती? किया था? वहीं से तो सारी परेशानी शुरू हुई। हेलो। हाय मेरी जान। ए, तमीज से बात करो, बीवी समझ के रखा है क्या? कहावत है कि रुमाल देने से दोस्ती टूट जाती है, रूम फ्रेशनर से भी यही होता है क्या? हेलो, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया? पसंद नहीं हो? तुम इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ा सकती हो मुझसे। चोरों चक्के, फोन रखो।
चोर? फिर तो मैंने जरूर कुछ चुराया होगा। फेसबुक पर लॉगिन करो और मुझे एक्सेप्ट करो। नहीं किया तो? तो व्हाट्सएप पर देख लो, मैं इसे पोस्ट करूंगा और तुम्हारे पति को पता चल जाएगा कि ये लवली किस उसके लिए तो नहीं थी, तो फिर ये किसके लिए थी? मैंने एक्सेप्ट कर ली। कोई फायदा नहीं। और तुम्हें क्या चाहिए? तुम चाहिए। तुम बेवकूफ हो क्या? तुम्हारा पति एक पुलिस वाला है, तुम उसे सब सच सच बता दो, वो उसकी अकल ठिकाने लगा देगा। देखो ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगा था कि वो एक अच्छा दोस्त है, मैंने उसे अपनी बहुत सारी पर्सनल बातें भी बता दी हैं। उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है और कहता है कि मैं सब लीक कर दूंगा। अगर इन्हें पता चल गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं तुम्हारे पति से बात करूं क्या? नहीं नहीं प्लीज, उनसे कुछ मत कहना, नहीं तो बची कुछ जिंदगी भी तबाह हो जाएगी। मैं पहले ही अपने पति से आंख मिलाकर बात नहीं कर पा रही, अगर उन्हें सब पता चल जाएगा तो उनकी नजरों में गिर जाऊंगी। मैथी, मैंने उन्हें बिना बताए साइबर क्राइम से भी बात की है, अगर गलती से भी पता चल गया कि मैं पुलिस वाले की बीवी हूँ तो सब खत्म, सारे डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा। अपने पति को इस तरह से बेइज्जत होते देखने से अच्छा है कि मर जाऊं। चल छोड़, कैसे भी अपने पति को बिना बताए से खत्म करने की कोशिश कर। जस्ट 3 days, बस तब तक संभाल ले, फिर मैं आ जाऊंगी। थिरुवल्लुवर कॉइल स्ट्रीट तुम्हारे अंडर आता है? यस बॉस, क्या करना है आप बताइए तो सही, फटाफट हो जाएगा। सुबह 9:30 बजे लैपटॉप लेकर घर से निकलता है जैसे ऑफिस जा रहा हो। 9:45 पर मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाता है। 10 बजे की मेट्रो पकड़कर के नगर उतर जाता है। कॉफी शॉप में बैठकर हर लड़की से बात करता है। जब तक कोई लड़की फंस नहीं जाती तब तक बैठा रहता है, और जब कोई लड़की फंस जाती है तो उसे ले जाता है। आपको जानता हूं, आप लॉयला कॉलेज के 2002 बैच के हैं ना? हाँ। आपकी शादी त्रिपुरम कुंद्रम में हुई थी राइट? हाँ। मैंने आपकी वेडिंग फोटोज देखी हैं। मैं आपकी वाइफ का फेसबुक फ्रेंड हूं। ओह, मैं फेसबुक यूज नहीं करता। कहां जा रहे हैं? आपका ऑफिस इस तरफ? नो नो, केके नगर कॉफी शॉप। ओके सर, बाय। छेड़खानी करने आया यार। इस पर केस दर्ज करो साहब। सर आप यहां? चलो जाओ यहां से, चलो जाओ, निकलो। इसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं, केस डालकर इसकी जिंदगी खराब मत करना, बस वार्निंग देकर छोड़ देना।
हाय अगलमा। क्या चाहिए तुम्हें? मैंने सोचा था तुम्हें थोड़ा वक्त दूं, पर मैंने इरादा बदल दिया है। मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। तुम जैसा सोच रहे हो मैं वैसी नहीं हूँ, अब बस करो। 24 घंटे दे रहा हूँ तुम्हें, आओ और मुझसे अकेले मिलो। कितने का इंतजाम हो सकता है? नमस्कार सर। अरे बहुत बदल गया है तू। अरे सर, आपसे इतनी मार खाने के बाद कोई कैसे नहीं सुधरेगा। मैं सुधर गया सर। अरे बैठना। सर सर सर, आखिर बात क्या है सर? एक एनकाउंटर में किसी मुजरिम को मरना बड़ा मुश्किल है, ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड ऑल, इसलिए उन्हें ठिकाने लगाने के लिए तेरी मदद ली है। एक साइबर क्रिमिनल है। अरे सर, आप चाहते हैं कि मैं किसी को आपके लिए मार दूं? जिंदगी बहुत कीमती है सर। सर, क्योंकि आपने उस वक्त मुझे जिंदा छोड़ दिया था, तभी तो आपसे बात कर पा रहा हूँ सर। हर परेशानी को बात से सुलझा सकते हैं, एक बार बात तो करके देखो सर। चलता हूँ सर। नमस्कार। पहले हम गलियों में छोटे मोटे चोर उचक्के पकड़ा करते थे, आजकल पकड़ते हैं इंटरनेट वाले। घर जाकर आराम से पढ़ लेना, किसी भी वक्त मारे जा सकते हो। मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि मेरी वाइफ को पता ना चले कि मैं इसके बारे में जानता हूं। चल निकल। ये सौदा तो आप मारपीट से पहले भी कर सकते थे सर। एक बात कहूं, किसी भी औरत के पास जाने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जान लेता हूं, यहां तक कि उसके घर वाले किस हद तक जा सकते हैं वो भी। आपकी वाइफ ने एक पोस्ट किया था, अ सिंगल स्टार ऑन शोल्डर इज बेटर शाइनिंग देन मिलियन स्टार्स ऑन द स्काई। तब मुझे लगा था कि आप ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, लेकिन लोगों से पिटवाते वक्त जो लुक आपने मुझे दिया, तभी मैं समझ गया कि आप ऑनेस्ट आदमी नहीं है। उसी रात मैंने तुम्हारा कंप्यूटर हैक कर लिया। मैं चौंक गया। हजारों फाइल्स, वॉइसेस और लोगों के राज। सर, कंप्यूटर पर और ढूंढने, खोजने और निकालने के बाद तुम तो खुद ही महाचोर निकले। और आपने पैसा लिया, और वो भी किसी और के नाम पे। इसका हिसाब कौन अपने कंप्यूटर पर रखता है? और वो HTV, क्या कमाल का काम किया है सर। अगर मैं सिर्फ वो लीक कर दूं ना, तो तुम्हारी जिंदगी तो झंड। एक बात समझ लो सर, अब से मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तुम मेरी बात मानोगे। रेलवे स्टेशन पर आकर तुमने मुझे शॉक दे दिया, लेकिन अब यहां जो शॉक मैंने दिया है वो अच्छा है ना? शॉक नहीं दिया, पकड़े गए हो। अगर मैंने डिपार्टमेंट को एक SMS कर दिया कि तुमने कंप्यूटर हैक किया है, तो तुम्हारे यहां से सिर्फ लाश ही जाएगी। जब इंसान के राज खुलते हैं तो वो बहादुरी दिखाता है, पर उसका दिल अंदर से डरा हुआ रहता है। तुम्हारे दिल की धड़कन मुझे यहां सुनाई दे रही है। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ, तुमने बहुत लोगों को धमकाया होगा। तुम्हारी बीवी नहीं जानती कि तुम मुझसे मिल रहे हो, तो तुम दोनों तरफ से फंस चुके सर। आज से हम दोनों दोस्त हैं, जैसे गैंगस्टर्स होते हैं।
तुम्हारी हिम्मत और मेरे दिमाग के साथ हम उन सीक्रेट से करोड़ों कमा सकते हैं जो तुम्हारे पास रखे हैं। क्यों ना हम एक दूसरे के सुख दुख बराबर बांट लें? नहीं तो? तो फिर एक ही रास्ता है। वो क्या? अगल। पुलिस बैठ जाओ। हर बार जब इसे अलग लड़की के साथ देखता था तो लगता था कुछ गड़बड़ है। सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दे। हाँ ठीक है सर। कौन से कोर्ट ले जा रहे हो? किस लिए? ताकि बेल लेकर केस को खींच सके। सीधा जहन्नुम जाएगा तू। हेलो सर। अरे कितनी बार कहा है कि मुझे सर मत कहा करो। सर सर नहीं बोलो तो क्या बोलूं सर? थोड़ा प्यार से बुलाओ ना, जैसे बेवकूफ बुलाओ, जान कह के बुलाओ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। अगर जाने मन कहूं तो चलेगा? जो डेटा मैंने हैक किया ये उसका सैंपल है जिसे प्री प्रोग्राम्ड कंप्यूटर ने भेजा है। अगर अगले 3 घंटों में मैंने इसे स्टॉप नहीं किया तो सारी ऑडियो फाइल्स अपने आप मीडिया में चली जाएंगी। ए स्टॉप स्टॉप यू स्टॉप। साइबर क्राइम के ज्यादातर स्टोरी फेक होती है। गवर्नमेंट बाल्की के कंप्यूटर स्किल का यूज सिर्फ एक गुप्त जानकारी इकट्ठा करने के लिए कर रही है, उसे ब्लैकमेल करने के लिए। अब उन्हें हमारी मदद चाहिए, लेकिन नाक पर चोट का निशान समझ नहीं आया। जो पुलिस पहले दोस्त थी वो अब दुश्मन बन गई। इसने लिमिट क्रॉस की होगी। क्या लगता है दोनों में से कौन जीतेगा? सही की जीत होगी और गलत की हार। लेकिन अगर दोनों गलत हुए तो? कैसी हो मेरी जान? हमें मिलना था ना अगल मां। इतनी खामोशी, ये आखिरी वार्निंग है। वो कह रहा है उसे इसी वक्त मुझसे मिलना है। क्या तुम जल्दी से केके नगर वाली कॉफी शॉप में आ सकती हो? मुझे 20 मिनट लगेंगे। ठीक है ठीक है, बस आ जाना। चलो आखिरी बार कोशिश करके देखती हूँ। मैं उससे मिलकर रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे उम्मीद है वो मान जाएगा। लेकिन मुझे अकेले जाने में बहुत डर लग रहा है। तुम भी चलो ना बाहर ऑटो रिक्शा में, मेरा वेट करना। अगर मैं 5 मिनट में बाहर नहीं आई तो तुम आ जाना। तुम्हारे भाई को साथ ले चले। अगर उसने मेरे पति को सब कुछ बता दिया तो? वो कह रहा है उसे इसी वक्त मुझसे मिलना है। क्या तुम जल्दी से केके नगर वाली कॉफी शॉप में आ सकती हो? ओफो, मेरे पति का फोन है, अभी मत उठाओ। अगर परेशानी में तुमने सब कुछ बता दिया तो कट कर दो। अरे स्विच ऑफ क्यों किया? एक ऐसा दिया जो मेरे घर को रोशन करने आया है। अब अगर एक बार भी मुझे दिया कहा ना तो जोर का थप्पड़ मारूंगी। मैं तुमसे यहाँ कोई भीख मांगने नहीं आई हूँ, मैं एक पुलिस वाले की बीवी हूँ और मैं तुम्हें यहाँ आखिरी बार वार्निंग देने आई हूँ। अभी तक तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया है, अगर उन्हें पता चल गया तो वो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देंगे। महीनों तक बेड पर पड़े रहोगे। मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है गलमा, खासकर तुम्हारे पति से तो मुझे बहुत डर लगता है। तुमने कहा था ना पुलिस वाले सिर्फ फिल्मों में बहादुर होते हैं, असल जिंदगी में तो डरपोक होते हैं। उन्हें मीडिया का डर होता है, पड़ोसियों का डर होता है कहीं वो एक्सपोज न कर दे।
अपने दोस्तों से पूछे बिना वो अपना कोई भी फैसला नहीं ले सकते। तो इतनी जल्दी पुलिस एकदम से बहादुर कैसे बन गई? नजदीक मत आओ, अगर मुझे हाथ लगाया तो। तुमने मुझे चोर कहा था ना, तो क्यों ना थोड़ी चोरी करी लो। प्लीज, किसी को पता भी नहीं चलेगा। प्लीज प्लीज। गिड़गिड़ाना पुलिस वाले की बीवी पर नहीं जमता है। हेलो, कहाँ हो तुम? शॉपिंग करके घर की तरफ जा रही हूँ। हेलो, हाँ हेलो, हाँ सिग्नल थोड़ा वीक है, घर पहुंचकर फोन करती हूँ। ओके। अरे आइए आइए सर, आइए, धन्य भाग हमारे जो अब हमारे घर पधारे। आइए सर, आइए बैठिए, नमस्ते, बैठिए। मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मना कैसे करता? आप लोगों ने तो मेरी लुटिया डुबो दी सर, अब मेरी क्या औकात। ओह, मैंने ही तो उसे वो पोस्ट दिलवाई थी, थोड़ा पागल है पर मेरा कहना मान लेगा, समझो आपका काम हो गया। अहो भाग्य। सर, बहुत लंबे वक्त से मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था। पूछो ना। आप ही ने मेरे वो 10 करोड़ लिए थे ना। कौन से पैसे की बात कर रहे हो? वही पैसे जिनकी वजह से मेरी पोस्ट चली गई। नहीं नहीं, तुम्हें तो इसलिए निकाला गया है क्योंकि तुम्हारा दूसरी पार्टी के मेंबर के साथ रिलेशन था। पुलिस वाले कभी भी अपनी जबान से ये नहीं बोलते कि उन्होंने रिश्वत ली है। सर, एक्स मिनिस्टर कह रहा है कि हमने उसके 10 करोड़ रुपए लिए जो उसने कार की डिग्गी में रखे थे, तुम्हें कोई जानकारी है? पता करता हूँ सर। मुझे फोन मत करना, मैं तुम्हें फोन करूंगा, अर्जेंट हो तो भी। ठीक है। कुछ लोग मेरे बारे में पूछेंगे पर तुम सेल्वम नाम के आदमी से कभी नहीं मिले, समझ गए? अच्छा, तुम मुझे अपनी पत्नी और उनके भाई से मिलवाते क्यों नहीं? जरूरत नहीं, उनसे ज्यादा मैं तुम पर यकीन करता हूँ। अरे भाई, 10 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गया है। ए, अभी 20 किलोमीटर तक जाम लगेगा, क्या कर लोगे? रोड तेरे बाप की है जो जाम रखेगा। ये जाम हटाकर दिखाओ, फिर पता चलेगा। देखिए, आम जनता को तकलीफ हो रही है, प्लीज। हे सर। अरे लाठी चार्ज का ऑर्डर काहे दे दिया? मरने वाला ऊंचा कम्युनिटी का है। सर, मेरा सस्पेंशन कैंसिल करा सकते हैं? 10 लाख लगेगा, रिपोर्ट तुम्हारा पक्ष में लिख देंगे। सर, मैं ईमानदार हूँ। हम ईमानदार नहीं है का? सर, इतना पैसा कहाँ से दूंगा? वैसे तो एक इंस्पेक्टर साल भर में लगभग 10 कमाता है, 10 करोड़, उसमें से 10 भी नहीं दोगे? सर, आप नाटक बंद करिए, आप ईमानदार हैं ये दिखाने के लिए लोन ले रहे हैं। तुम कह रहे हो मैं ईमानदार हूँ तो पैसे वापस कैसे करोगे? याद है मैंने तुम्हें एक मारवाड़ी के बारे में बताया था? वही है ये, जो ऑफिसर मुश्किल में होते हैं उनकी मदद करते हैं ये। आपने तो कोई डॉक्यूमेंट भी साइन नहीं करा। डॉक्यूमेंट से क्या मैं मुंह पोछूंगा? हमारे बिजनेस में जबान की कीमत होती है। ये बिजनेस भी विश्वास पर ही चलता है। मतलब इस महीने आराम करना है? ज्यादा लालच करने वाले ही पकड़े जाते हैं, जो थोड़े में खुश हैं वो बच जाते हैं। 6 महीने के लिए शटर बंद। समझ गया, तुम्हारा नेक्स्ट स्टॉप है। हेलो मैडम, लोन चाहिए?
लोन वाले का फोन है ना? नहीं माँ, मेरी दोस्त है मैथी। फेसबुक पर नहीं आई, ठीक नहीं किया। आज जब मेरे हस्बैंड घर आएंगे तो मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। अब मैं तुम्हारा टॉर्चर नहीं सह सकती। हाँ जरूर बता दो, नहीं तो मैं बता दूं अगर तुम्हें मुश्किल लग रहा हो तो। पहले मैं तुम्हें पोस्ट करने के लिए टॉर्चर करता था ना, चिंता मत करो, इस बार मैंने पोस्ट किया है। अपना पर्सनल मैसेज चेक करो, देखो और बताओ कैसा लगा। तुम्हारे पति को फॉरवर्ड कर देता हूं, बहुत अच्छा लगेगा उसे। मैंने वीडियो के एक एक फ्रेम को रोक के देखा तो देखने में लग रहा है कि हम बहुत मजे कर रहे हैं। अगलमा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा फैन हूं। मैं तुमसे भीख मांगती हूं, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। मैंने अभी उससे व्हाट्सएप पे बात की। अच्छा, तुमने पूरे घर में कैमरे लगाए हैं? अगर तूने एक बार भी उसे फोन किया ना तो भले मेरी नौकरी चली जाए तू जिंदा नहीं बचेगा। एक बात कहूं बॉस, तुम्हारी वाइफ के लिए तुमसे कहीं बेहतर तो मैं हूं। तुम 4 साल तक रिलेशनशिप में थे और अब 1 साल शादी को हो गए, लेकिन तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम्हारी वाइफ को क्या पसंद है? क्या तुम्हें उसकी 7वीं क्लास की टीचर का नाम पता है? क्या तुम्हें पता है कि उसे बारिश के वक्त कौन सा गाना सुनना पसंद है? क्या तुम्हें पता है कि पूरे चेन्नई में उसका सबसे पसंदीदा रेस्टोरेंट कौन सा है? क्या तुम्हें पता है कि आधी रात को वो कहां से आइसक्रीम खाना पसंद करती है और कौन सा आइसक्रीम फ्लेवर पसंद है उसे? क्या तुम्हारे पास उसके बचपन का फोटो है जिसमें वो बॉक्सर पहन के अपनी साइकिल चला रही है? मेरे पास है, क्योंकि मैंने वक्त दिया है और अच्छे से समझा है, लेकिन तुमने सोने और खाने के अलावा किया ही किया है। जब तुम इतना सा काम नहीं कर सकते तो फिर पति क्यों बने बैठे हो? उसे छोड़ दो और दूर चले जाओ। वेट बॉस, वेट वेट वेट। खाना खाने के पहले सिर्फ जानवर ही खाने को सूंघते हैं, इंसान को ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती। तू जानवर है और मैं इंसान। ए, 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 मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा नहीं पूछोगे क्या? बोल, अभी पूरी करता हूं। मरने से पहले एक वीडियो देखने दो। ये पहला शो थोड़ी था, ये तो 92वां शो था। घबराहट में कहीं मुझे शूट मत कर देना, नहीं तो तुम्हारी बीवी मुंह नहीं दिखा पाएगी। स्विस बैंक में सिर्फ पैसे नहीं रखे जाते, उनके पास डेटा सेव करने का भी लॉकर है। मैंने वहीं सेव किया है। हर महीने उसे रिन्यू करने के लिए मेरा जिंदा होना जरूरी है, और अगर मैंने वो मिस कर दिया तो ये अपने आप 3 करोड़ वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। सोचो अगर ये सारी दुनिया को पता चल गया तो तुम्हारी इज्जत क्या रह जाएगी? अगर तुम्हारा प्रोफेशन तुम्हारी ताकत है तो मेरी ताकत है कीपैड। कैमरा तुम्हारे बाथरूम में लगाया है जो जवान और बुजुर्गों में फर्क नहीं करता। न जाने क्या क्या देखना पड़ा तुम्हारे पापा, तुम्हारी मां। Oh!
ये सब हंसने के लिए किया है बॉस। मार डालो मुझे। क्या तुम्हारा परिवार शर्म से मरने के लिए तैयार है? अपने पति से अपने मन की बात कह पाना ये हक क्यों नहीं दे पाया मैं तुम्हें? तुम ये सब अकेले कैसे कर पाओगी? नहीं कर पाओगी। मैं तुम्हें बताता हूं, सबसे पहले तो ये भूल जाओ कि सारी दुनिया तुम्हें भला बुरा कहेगी। तुम्हारी दुनिया कौन है? वो 7.5 अरब लोग जो धरती पर रहते हैं? नहीं, या जब कोई तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर पुकारे और तुम मुड़कर पूछती हो मैं तुम्हें जानती हूं, ये वो लोग हैं जो कभी तुमसे एक आध बार मिले हैं। इन सबको मिलाकर 2000 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। इनके अलावा बाकी सबके लिए हम एक दिन की न्यूज हैं। इन 2000 लोगों के लिए लोग आत्महत्या करते हैं, आग लगाते हैं, जहर खाते हैं। अगर भविष्य में तुम्हारा कोई वीडियो स्कैंडल हो जाए बस यही सोचना कि मैं ही तुम्हारी दुनिया हूँ। क्या हुआ बेटा? मैंने 10 मिनट से दरवाजा खोल रखा है, तुम बाहर क्यों खड़े हो? बेटा बाथरूम में पापा हैं। पापा जल्दी बाहर आइए। अरे आ रहा हूं ना। जल्दी आइए ना। क्या हुआ बेटा? टेक्नोलॉजी मुझे मार देगी माँ। तो तुम ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? क्या हुआ तुम्हें? सिर दर्द हो रहा है? दवाई लाकर दूं? कुछ नहीं। हाँ इसे कोई दवाई दे दो। तुम्हें कुछ बताना है? मुझे भी कुछ बताना है। पहले तुम कहो। नहीं पहले तुम। तुम? नहीं। लेडीज फर्स्ट। तुम बताओ। वो आईजी ने कहा है कि अब तुम्हें बाप बन जाना चाहिए। हाँ? बच्चों को देखोगे तो सारे टेंशन भूल जाओगे।
अरे ये क्या कर रहे हो, पैर क्यों छू रहे हो? मुझे बाप बनाने के लिए। हमारा बच्चा लकी है, उसके आते ही तुमने नई गाड़ी खरीदी। हम जानते हैं कि उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, लेकिन सेल्वम की वाइफ भी उनमें से एक है। ये एक बड़ा शौक है। डोंट टॉक रबेश। फेसबुक पर फ्रेंड होने का मतलब ये नहीं है कि वो गर्लफ्रेंड है। तुम केस को यहीं पर छोड़ दो, मैं हैंडल कर लूंगा। ओके सर। ये सारे नंबर तुम्हारे नेटवर्क से हटा देना। ओके। आईजी की तरफ से गिफ्ट। थैंक यू। ये उसका पैसा नहीं है, उसका फंड अलग है। तो आईजी को फोन करके थैंक यू मत कहना। ओके, श्योर। वो परेशान हो जाएंगे। ओके सर, अगर आपको किसी भी जरूरी नंबर को क्लोन कराना हो तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। जब भी उसका फोन बजेगा ना तो साथ साथ में आपका फोन भी बजेगा, आप सब कुछ लाइव सुन सकते हैं। सर, मुझे आपको एक बात बतानी है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक क्लिप आई है और उसमें एक आवाज मैडम की आवाज से बिल्कुल मेल खाती है। अंदाजा लगा सकूं कि हम कितनी देर बात कर सकते हैं? सुबह तक कर सकते हैं। दिल्ली से तीन लोग मिलने आए हैं उन्हें। हे। हाय सर। हाय। मैंने इसे कंप्लीटली क्लीन कर दिया है, अब कोई भी इसमें से कुछ भी रिट्रीव नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या तुम कल छुट्टी ले सकते हो? मुश्किल है सर। एक्ट्रेस नयनतारा से मिलना चाहोगे? सर, आप सच में डायना मरियम को जानते हैं? वो कौन है? सर, नयन तारा का असली नाम यही तो है। सर, हम दोनों का बर्थडे सेम डे है, नवंबर 18। मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूं। हाय बालकी सर, मैं अनु, आपकी फेसबुक फॉलो। आपकी कल की योगा पोस्ट एकदम कमाल थी। अच्छा, हे, अरे डर मत, सारे कैमरे बंद हैं। आपकी हर पोस्ट को इतनी सारी लड़कियां कैसे लाइक कर देती हैं? शुक्र है कैमरे को यूपीएस के साथ कनेक्ट नहीं किया। आप अक्सर मेरे सपनों में आते हैं। रियली? सर, मैंने उसका लॉगिन पासवर्ड हैक कर लिया। एक मिनट। श्योर। सर, उसने डेटा स्विस बैंक में सेव किया है। फाइल का साइज बहुत बड़ा है, डिलीट होने में कम से कम 40 घंटे लग जाएंगे। पासवर्ड मांग रहा है। अगल, AGAL। अगल मा, अगल बिलको। कौन है ये, उसकी गर्लफ्रेंड? एक्सक्यूज मी, बिल। हेलो, कम से कम कैपेचिनो तो पिला सकते हो। हाँ, मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं जो खुद चल कर आए। कम ऑन, कम ऑन, कीप ट्राइंग।
ऑफिसर लगता है बहुत बड़ा चोर है। हर कदम पर प्रोटेक्शन लगाया हुआ है, इसे तोड़ना मुश्किल है। सर, वो चला गया, मैं उसे और ज्यादा नहीं रोक पाई। कोई रैंडम पासवर्ड लगाएं क्या? ये लॉक हो जाएगा सर। इसका पासवर्ड डीकोड नहीं कर पा रहा। उसके आने से पहले कुछ कर। लॉक हो गया सर। सर, सब कुछ अपनी जगह पर रखा है, वो किसी भी वक्त आ सकता है। ए, चल 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 चल, चलना जल्दी, चल चल निकलते हैं। अच्छा 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 तो मेरे पीछे मेरे घर में घुसे हो। हेलो अगल माँ, मैं आधे घंटे में तुम्हारे घर आ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं रास्ते में ही हूँ। मेरे सास ससुर, मैं घर पर नहीं हूँ। मैंने तुम्हें लैंडलाइन पर फोन किया। बाहर कितनी गर्मी है। हाँ बहुत। सर सर, आप तो नयनतारा से मिलवाने वाले थे, क्या हुआ? तू मेरे घर में घुसा था ना, अब मैं तेरे घर जाऊंगा। जल्दबाजी में बाइक मत चलाना। अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ और तू मर गया तो मुझे जिंदगी भर उसका ख्याल रखना पड़ेगा। ध्यान से चलाना, तेरे आने का इंतजार करूंगा। आ जा। कौन है? अगल का दोस्त हूं। कॉलेज के दोस्त? फेसबुक फ्रेंड। ये कंप्यूटर इंजीनियर है माँ, इसे माइक्रोसॉफ्ट से भी बुलावा आया था लेकिन इसने मना कर दिया। सेल्वम से कभी मिले हो? नहीं माँ, अभी 6 महीने पहले ही तो ये दोस्त बने हैं। मैं भी इन्हें पहली बार ही मिल रही हूँ। घर सजाने के लिए मेरी तारीफ किया करते थे ना, तो फेसबुक पर यही टिप्स दिया करते थे। याद है तुमने एक बार केरला कर्डल करी की तारीफ की थी ना, वो इन्हीं की रेसिपी थी। ओह, क्या नाम है आपका? बालक कृष्णन, प्यार से पालकी। इन्हें कुछ चाय नाश्ता? अरे मैं तो भूल ही गई, आप लोग बातें करो। तुम इतना भाग कर क्यों है? भगवान प्लीज मुझे बचा लो, ये कुछ मुंह ना खोले। बोला था ना, तुम मर गए तो मुझे इसका जिंदगी पर ध्यान रखना पड़ेगा। पर्दों से लेकर कारपेट तक सब कुछ मेरी पसंद का है।
इनमें से एक चीज तक नहीं बदल पाए तुम कर भी नहीं पाओगे। मैं ऑलरेडी इस घर का हिस्सा बन चुका हूं। करेक्ट करेक्ट। तुम जाओ, मैं बना देती हूँ। ठीक है माँ। तुमने नई किताब के बारे में जो पोस्ट किया था वो बहुत ही अच्छा था। ये इंग्लिश लिटरेचर का काफी शौक रखते हैं। ओह। प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाओ प्लीज। वाह, क्या एक्टिंग करती हो। हेलो। प्लीज चले जाओ। ओके। प्लीज मेरी बात। तुम जितनी देर लगाओगी मुझे उतना ही गुस्सा आएगा। सही कहा। मैं बाद में कॉल करता हूँ। चाय तैयार है बेटा? अभी लेकर आती हूँ। तुम दोनों एक्टिंग में एक दूसरे को बढ़िया टक्कर दे रहे हो। यस यस। ये वही ऑर्गेनिक चाय ना जो मैंने तुम्हें बताई थी? हाँ ये वही है। नाइस टी। एक बात बताऊं, मैं कब से देख रही हूँ कि सेल्वम के पास अगल के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। जब से उसे फोन टैपिंग का काम मिला है वो बदल गया है। तुम सच में यही चाहते हो क्या? सिर्फ मर्दों को ही सारे अधिकार होते हैं? क्या वो ही एक से ज्यादा साथी रख सकते हैं? क्यों ना हम इस ट्रेंड को बदल दें? हंसने के लिए कह रहा हूं बॉस। या या। मेरे साथ फिर से बदसलूकी की तो यही होगा। जा पहले घर तो पहुंच। सुनो तैयार हो जाओ, हॉस्पिटल चलते हैं रूटीन चेकअप के लिए। नहीं आज रहने देते हैं, मैं बहुत थक गई हूं। ठीक है। सुना डार्लिंग, मैंने सुना है ये आवाज तुम्हारी ही है, पर लोगों को मैंने कह दिया है कि ये आवाज तुम्हारी नहीं है। जब फोन करती हो ना तो जरा ध्यान रखा करो इस बात का। ऑटो खाली नहीं है। ठीक है। घूरता किसको है रे? घूर कर रहा हूं। ए तूने घूरा अभी? ए, रुक। आए, ए, रुक, रुक, रुक। क्या हुआ क्या? मारा इनको। चल निकल चल निकल। आराम से। दीदी जीजू के साथ कुछ झगड़ा हुआ है क्या? कुछ नहीं। एक बोतल के पैसे दे दे मुझे, जीजू से सब उगलवा लूंगा मैं। तो जाना यहाँ से। तुम्हारी सूरत देखकर लगता है कोई सीरियस मामला है। जब तक तुम नहीं बताओगे नहीं जाऊंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के नाम पर सिम खरीदने की? आईजी इसकी जानकारी है इसमें। यहां पुलिस की नौकरी करने आए थे और बन गए बिजनेसमैन, अब नहीं बच पाएंगे। दोनों की यूनिफॉर्म उतार के ही दम लूंगा। सुनो मैंने बहुत पीट लिया, इसको आग लगा दो।
ओए गंजे, अगर हिम्मत है ना तो मेरे फोन से अपनी बीवी को कॉल करके दिखा, उसे बोल दे तो मुझे आग लगा रहा है। उसी ने तो कहा है तुझे आग लगा दूं। सोचकर हैरान हूं, हमारे थाने में भी पॉलिटिशियन बनना पड़ता है। अगर पॉलिटिक्स नहीं करोगे तो किसी भी कीमत पर बच नहीं पाओगे। कितने फोन है तुम्हारे पास, बात कर लो। मंगई माँ, क्या करूं इसका? छोड़ना मत उसे, इसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। सोसाइटी में मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। जिंदा जला दो इसे। सर, एक मिनट। कितने जाली में है ना। अगर किसी को गलती से इसके बारे में पता भी चल गया, रिकॉर्ड तो यही दिखाएगा कि इसमें मेरी वाइफ इन्वॉल्व थी। सर आप यहाँ, हमें कंट्रोल रूम से जानकारी मिली थी कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्या कोई रियल एस्टेट के काम से प्रॉपर्टी ग्रुप में नहीं देख सकता? जाओ रे सब। तू यहाँ क्या कर रहा है? ले, तेरा मेट्रो स्टेशन आ गया। ओके। मैं इंस्पेक्टर सेल्वम का दोस्त हूँ, उसे फोन करके थैंक यू कह देना। ओके सर। थैंक्स अ लॉट। पहले हीरो हो जिसने विलन को बचाया है। हंसो, हंसने के लिए तो कह रहा हूं बॉस। बहुत तेज हो, लगभग मुझे मार ही दिया था, फिर बचा भी लिया। मुझे जिंदा छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है। माचिस तुमने उठाई है, अब आग मैं लगाऊंगा। वो सामने ही बैठा है। ट्रेन आने में 6 मिनट बाकी है, जल्दी करो। काम हुआ? कौन सा काम? वो असल में नंदू कह रहा था कि बाइक बेचनी है। वो क्यों? क्यों बेचना चाहता है वो उसने नहीं बताया। ठीक है, मैं उससे पूछता हूँ। दीदी, मैं उसे नहीं मार पाया। क्या? तुम्हारा और जीजू का अचानक से ख्याल आया और मैं बिल्कुल डर गया था, और वो बच के भाग निकला। किसी ने वीडियो तो नहीं लिया ना? पता नहीं दीदी, जीजू जब आएंगे उन्हें सब कुछ सच सच बता देना। ये बात बताई तो सब कुछ बताना पड़ेगा, फिर वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। क्या हुआ? टीवी म्यूट क्यों है?
क्या बात क्या है? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एक सेकंड। रिमोट, रिमोट कहाँ है? दो पुलिस ऑफिसर के बीच की बातचीत लीक हो गई है। ये हम सभी के लिए चौंकाने वाली बात है। ये क्लिप सुनिए। सुन सतीश, देखो अपने बड़े ऑफिसर से डरना ठीक नहीं है, लेकिन उनकी बीवी हदें पार कर देती है। तुम्हें पता है कल मेरे बॉस ने क्या किया? उसने पूछा हम कितने लोग प्रेजेंट हैं। मैंने कहा 7 लोग। उसने हमें गाड़ी लेकर जाने के लिए कहा और हार्बर से 6 पैकेट लाने के लिए कहा। मैंने पूछा कैसे पैकेट? उसकी बीवी का कपड़ों का धंधा है, गधे की तरह हमें कपड़े उठाकर लाने पड़े। कचरा उठाने का काम भी आजकल तरीके से चलता है। पता नहीं हमारे डिपार्टमेंट को अकल कब आएगी। पहले वो पुलिस की नौकरी कहकर भर्ती करते हैं और फिर उन्हें सब्जी बनाने, कपड़े धोने और घर के काम में लगा देते हैं। कौन से चैनल पर? सर, सर नहीं बोलूं तो क्या बोलूं सर? थोड़ा प्यार से बुलाओ ना, जैसे बेवकूफ बुलाओ, जान कह के बुलाओ। सेल्वम कहाँ हो तुम? सर, आईजी बहुत गुस्से में है। सर, मैंने लीक नहीं किया सर। तुम जल्दी आ जाओ। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं संभाल लूंगा। ये क्या है, ये सब क्या हो रहा है? ये सारी ऑडियो फाइल्स मेरी कस्टडी में थी। ओके सर, ओके, ऑल राइट सर। सर ये सब मैं इन लोगों को इससे ज्यादा बेइज्जत नहीं कर सकता था। अब इनके पास रिजाइन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। वेल डन बाय बॉय। सर ऊपर के सभी अधिकारी मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे सर। धीरे धीरे सब ठंडा हो जाएगा। इससे अच्छा तू मुझे गोली मार देता। अरे रे मुझे गलत मत समझो, हम दोनों तो बैचमेट है ना, हमने एक साथ खाना खाया। आई नो योर फैमिली, यू नो माई फैमिली, आई नो योर सिस्टर। मुझे पता है उसे कितना दुख होगा। मैं पता लगा रहा हूं, आई विल फाइंड आउट द कल्प्रिट। मैंने ही इसे डेप्यूट किया था, तुम्हारे सामने से ठीक करूंगा। जवाब दो। सर ये तुमने किया है ना? जवाब दो, ये तुम्हें किया है ना? सर hey, इसने कुछ नहीं किया। क्या चाहिए तुम्हें? यही चाहिए ना? मेरा रेजिग्नेशन। फट गई ना, एक्टिंग कर रहा था। जब तक मैं यहां हूं तुम्हारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। तुम मैं डेरिंग है, मान गए, रियल हीरो हो। सर हालात हाथों से निकल रहे हैं, डिपार्टमेंट 2 हिस्सों में बट गया है। हमें क्या करना चाहिए? हमें किसी ना किसी की बलि तो देनी ही पड़ेगी। सर आईजी सर ने आपको दूर रहने के लिए कहा है। ये लोग कौन हैं? अगर ये सब सीक्रेट बाहर आ गए तो लोगों का सिस्टम से विश्वास उठ जाएगा, दुश्मनी बढ़ेगी, कोई किसी पर यकीन नहीं करेगा। सीक्रेट सीक्रेट ही रहे, इसी में भलाई है। इन सीक्रेट्स को हमेशा के लिए दफन कर देता हूं। क्या हाल है बॉस? हंसो, हंसने के लिए कह रहा हूं। सिर्फ 2 ऑडियो क्लिप लीक करने से इतना भूचाल आ सकता है। सोचो अगर मैंने सब कुछ लीक कर दिया तो तुम्हें कम से कम 25 साल की जेल होगी। बचने का एक ही रास्ता है, अपने घर जाओ, अपनी बीवी से मिलो, उसके हाथ में डाइवोर्स पेपर दो और एक कॉपी मुझे भेजो। सब कुछ खत्म हो गया,
आसपास के लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे हम कोई चोर हैं। पूरा सोफा चीर दिया, पूरा घर तबाह कर दिया। तुमने किसी के ऑर्डर पर कोई कार पिकअप की थी क्या? जी हाँ सर, मैंने एक लाल रंग की कार बीच के पास से पिकअप की थी। उसके घर से हमें कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर से हमने लिस्ट मंगाई है, वो जरूर पकड़ा जाएगा। सर मैं आखिरी सांस तक ईमानदार रहना चाहता हूँ, वो भी यही कहता था, लेकिन कुछ समय से ऐसा लगा जैसे उसके पास बहुत पैसा आ गया है। देखिए क्या कोई ऐसा नंबर है जो आपने अप्रूव नहीं किया? ओके, आई विल चेक एंड फाइंड इट आउट। ओके सर। उसने कहा आपने गिफ्ट दिया है, 4 लाख के साथ एक एप्पल फोन भी दिया है, मैंने उसके लिए एक नंबर का क्लोन भी बनाया था। तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? सर जैसा गुरु चेला भी वैसा ही होगा ना। आपने पोस्ट का इस्तेमाल करके बहुतों को डराया और कमाया उसकी सारी जानकारी और बातचीत इन पेन ड्राइव्स में है। सर अगर आपको यकीन ना हो तो ये आवाज आपकी है, ये रहा वॉइस सर्टिफिकेट। एक नए पुलिस वाले को कितना ईमानदार होना चाहिए इसकी नसीहत देते हो ना, ये उसका प्रूफ है। ये सारे नंबर मैंने ही प्रोवाइड किए हैं और अब पुलिस डिपार्टमेंट को सुधारने का वक्त आ गया है। एक नोट तैयार करो। सर आप आगे चलकर डीजे भी बनेंगे, तो आप जहां भी जाए ना तो मुझे भी साथ लेकर जाइएगा, मेरी खुशी के लिए नहीं अपनी खुशी के लिए। आपके सीक्रेट को संभाल कर जो रखता हूं। सर इतना सब करने के लिए मुझे एक गिफ्ट चाहिए, 7 दिन की छुट्टी, फॉरेन टूर की परमिशन। अच्छा माँ। दीदी इस ट्रिप में जीजू को सब कुछ सच सच बता देना। हेलो कौन था? क्राइम ब्रांच। अगर तू वापस नहीं आया तो मुझे वहां आना पड़ेगा। कौन था? आईजी, सारी परेशानियां खत्म। शुक्र है आप सब ठीक है। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था, इसलिए तुम्हें यहां लेकर आया। मैं पुलिस की नौकरी छोड़ दूं? छोड़ दोगे तो खाएंगे पिएंगे कहां से? याद है मैंने एक बड़े से बिजनेसमैन पर छोटा सा एहसान किया था? हाँ। वो यहाँ एक बड़ा सा बिजनेस करने वाला है, बिल्कुल इसी रिसॉर्ट की तरह। वो 10 रिसॉर्ट खरीद रहा है, वो चाहता है कि मैं उन्हें चलाऊं। अगर हम यहीं सेटल हो जाएं तो ए अगल, जीने के लिए एक ही जिंदगी है, एक बड़े से आइलैंड पर छोटा सा घर, एक अच्छी कार, कोई पोल्यूशन नहीं। तुम्हें ऐसी जिंदगी पसंद नहीं? 1.5 करोड़ का पैकेज इंडियन रुपीस में। ओह, तो तुम मुझे यहाँ ट्रायल के लिए लेकर आए हो? अगर तुम्हें ये पसंद आया तभी मैं बिजनेसमैन को हाँ कहूंगा, पहले मेरी बीवी को पसंद आना चाहिए। मुझे पसंद है। सुनो मैंने कहा था ना मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अच्छा एक सेकंड, मैं जरा आईजी को एक फोन करके आता हूँ।
लगता है तू मुझे टेस्ट कर रहा है। अगर तू अगली फ्लाइट से वापस नहीं आया तो तेरे सारे वीडियो लीक कर दूंगा। प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, सडनली डाइवोर्स दूंगा तो शॉक में मर जाएगी। उसे कहूंगा कि मैं ऐशो आराम की जिंदगी चाहता हूं जो उसे पसंद नहीं आएगा, फिर हम म्यूचुअली अलग हो जाएंगे, इसीलिए मैं उसे यहां लाया हूं। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, मुझे जानकर गुस्सा आ रहा है कि मेरी इतनी वार्निंग के बाद भी तुम मजे कर रहे हो। मेरी बेटी टिकट बुक कर, मैं वहां रहकर तुम दोनों को डर से तड़पते देखना चाहता हूं। वाओ, कितना अच्छा व्यू है ना। क्या हम अपनी सारी जिंदगी इसी जगह पर रहने वाले हैं? यस, वो बिजनेसमैन हमारे लिए ये घर खरीदेगा। हेलो, योर बैग। ओह, थैंक यू। मैं रिसॉर्ट चेक करके आता हूँ, आने के बाद हम दोनों एयरपोर्ट चलेंगे। ओके, बाय। चिंता मत करो, उसे वापस आने में 4 घंटे लगेंगे, सब हिसाब लगा लिया मैंने। वक्त और नजारा दोनों मेरे फेवर में है। ये कामना कोई आज नहीं जागी है, ये तुम्हारे बाथरूम का नजारा देख देख कर जागी है। अच्छा है विदेशी धरती पर हो रहा है, यहां से एक नई औरत वापस जाएगी। हमारे बीच यहां क्या हुआ किसी को पता नहीं चलेगा। ओवा, बहुत बड़ी गलती हुई, तुम्हें घर के दरवाजे पर मिलने की बजाय फेसबुक के जरिए मैंने तुम्हें अपने बेडरूम में आने का रास्ता दिया। तुम पर यकीन करके मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की। मुझे जाने दो प्लीज। तुम्हें क्या लगता है 7 घंटे की फ्लाइट लेकर मैं तुम्हें माफ करने आया हूं? इस पेशेंट को तो मर जाना चाहिए। मरना नहीं चाहिए डॉक्टर, लाश बनकर जिंदा रहे। अमेरिका में जिन लोगों को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, खासकर जो किसी डर के कारण होता है, उनकी टेम्पररी याददाश्त को भुलाने के लिए हम ऐसे पेशेंट्स को एक दवा देते हैं। अगर ये दवा पेशेंट्स को लगातार दी जाए तो वो जिंदा लाश बन जाएगा। डॉक्टर ज्यादा नहीं बताते हैं यार, अगर दवाई शराब में मिलाकर दी जाए ना तो टोटल मेमोरी लॉस, सिर्फ जिंदा लाश। तूने एलोपैथी और आयुर्वेद को मिक्स करने के लिए कहा था ना, कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो जानवरों को भी नशा देती हैं, वो पाउडर भी मिक्स कर देते हैं। हे मनीष। सर एक मिनट, अपने सिस्टम पर जा रहा हूँ। जैसे तू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मेरे घर के अंदर घुसा, वैसे ही मैंने तेरे बाप के इमोशन का इस्तेमाल करके तेरे घर के अंदर घुसा। मेरे ऊपर हार्ट सर्जरी हुई है, बच्चे खुचे थे, मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ बेटा। मुझे डर था कि कहीं वो मुझे गलत ना समझे, इसीलिए मैंने उन्हें उसकी सारी करतूतें दिखाई। उसने इसमें कैमरा फिट किया था और इसी से सब देखता था।
उसे इस समाज में रहने का कोई हक नहीं, छोड़ना नहीं उसे। एक मेहरबानी करना, उसे जान से मत मारना। बल्कि ये मेरे आखिरी दिन है, मुझे बाहर मत निकालो, मुझे यही रहने दो। जा अंदर जा, धरती के पहुंच। उसकी आंखें अच्छे से खोलकर स्कैन करवाओ। उसे हर रोज तुम ये दवाई दोगे, इससे उसका दिमाग सुन्न हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा, बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह। सर, सिलेक्ट ऑल फाइल्स, डिलीट। अब उस सॉफ्टवेयर को चलाइए जो मैंने आपको दिया है सर। ओके। सर, अब इसे कोई भी रिकवर नहीं कर सकता। जैसे ही किसी क्रिमिनल को लगता है कि वो शक्तिशाली है, वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। मैंने उसे ये यकीन करने दिया कि वो जीत रहा है, और इसी एक्साइटमेंट में मुझे पता था कि वो यहां आएगा। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। वो निकल चुका है, कभी भी बेहोश हो सकता है। उसने कहा था कि वो बेहोश हो सकता है, और ये भी कि वो रिजॉर्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन वो रिजॉर्ट के बजाय सीधा घर पहुंचा। मैं वापस भागा, और जब तक मैं वहां पहुंचा वो बेहोश हो चुका था। जैसे ही हम लैंड करें तुम सीधा घर चले जाना। मैं उस बिजनेसमैन से मिलके हमारे प्लान के बारे में कंफर्म कर दूंगा, उसके बाद ऑफिस जाकर रेजिग्नेशन दे दूंगा। बाल्की, क्या हुआ बेटे, ऐसे कैसे गिर गए? आपके कपड़े खराब हो गए, सॉरी बेटा। इसे कुछ याद नहीं है, इसकी याददाश्त जा चुकी है, ये एकदम बच्चों की तरह हो गया है। इसे खड़े होने के लिए भी मेरी मदद की जरूरत पड़ती है, सॉरी बेटा। इट्स ओके। जो भी मेहमान हमसे मिलता है, जरूरी नहीं कि वो हमारी यादों में रहे। मैंने ऐसे नाटक किया जैसे मुझे कुछ याद ही नहीं, अगल भी चुपचाप थी, लेकिन मैं देख सकता था अब वो बेफिक्र थी। कभी कभी कुछ सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने देना चाहिए ताकि शांति बनी रहे। तुम मुझे कुछ बताने वाली थी ना, बताओ। सोच रही थी कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ सेटल हो जाना चाहिए। पता नहीं क्या जल्दी थी, हमसे कहा कि सब कुछ इकट्ठा करके ले आओ। कल रात हमने उन्हें सब कुछ सौंप दिया था और आज सुबह ये चल बसे।
ये कार तुम्हारी है लेकिन तुम्हारी नहीं है। ये पैसा तुम्हारा है लेकिन तुम्हारा नहीं है।